अर्ज किया है, आज का दिन है बड़ा सुहाना। छू छू आज का दिन है बड़ा सुहाना। ओए क्लाउन, जरा कपड़े पहन के आना। तो इतना बुरा जोक सुनने के बाद भी देख रहे हो, कोई बात नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ तुम्हारा ऑलराउंडर, और मैं हूँ तुम्हारा खसम खास क्लोसम, बोले तो क्लाउ। तो यार वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलो यार, आज की वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले तुम जाके पहले लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे। तो चलो यार, लेट्स बिगिन। हाँ तो भाई लोग, ये तुम्हारा पुराना चैनल ही है, यानी ये पोकेवर्स ही है। तो गाइज, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है क्योंकि एक रीज़न है गाइज, और रीज़न ये है। देखो, इतने सारे नाम के चैनल्स हैं पोकेवर्स नाम के, तो यार इसमें तुम मेरा एक स्पेशल चैनल कैसे ढूंढोगे। तो इसलिए यार, सबसे हट के नाम पोकेमिनेटर फॉर रेलिगेटर मुझे लगा, तो मैंने ये नाम रख लिया। और हाँ, अब तुम कमेंट करके बताओ ये नाम कैसा है, नाम के साथ हमारा नया इंट्रो कैसा है। तो गाइज, पिछली बार हमने वीडियो में कुछ देखा था कुछ मिस्टेक्स जो बोलती है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में जानवर होते हैं। तो मेरे दिमाग में पिछली बार पकी थी खिचड़ी और वो थी थेरी। तो यार, थेरी तुमको मैं इस वीडियो में सुनाता हूँ, क्योंकि पुरानी वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो यार, थ्योरी से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, पिछली बार मैंने एक इमेज को मिस कर दिया था जो मैंने थंबनेल पे लगाया था। पर देखो यार, ये वाली इमेज थी। इस इमेज में यार तुम एक टाइगर को देख पा रहे होगे वॉल पे। ये इमेज ऐसे मेरे पास है नहीं, तो मैंने थंबनेल को ही उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो वॉल पे एक टाइगर की पिक्चर है, तो ये भी प्रूफ कर देता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में जानवर है। तो चलो यार, लेट्स बिगिन विद द थ्योरी। हाँ तो गाइस, इस बारे में मेरे पास दो थ्योरीज है। तो पहली थ्योरी ये है, क्रिएटर मिस्टेक, यानी यार पोकेमॉन का जो भी मैंने तुम्हें इमेजेस दिखाया वो सारे के सारे इंडिगो से ऑरेंज लीक के बीच के थे। तो अब तुम थोड़ा सा सोचो कि उसके बाद हमें कहाँ कोई दिखाया गया ऐसा क्लिप, या फिर कोई भी ऐसा छोटा सा इमेज भी नहीं दिखाया गया जिसमें हमें जानवर दिखाया गया है। तो ये मिस्टेक है, मतलब कि एक तरह से अगर तुमने कोई चीज़ न्यू स्टार्ट किया है और उस चीज़ में तुमको वो नहीं डालना है, दूसरी कोई चीज़ नहीं डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर तुमने रियल वर्ल्ड बनाया है और उसमें तुमको डायनासोर्स नहीं डालने हैं, और तुम उस टाइम स्टार्टिंग किए हो, तो यार तुमने अगर डायनासोर्स डाल दिए तो ये तुमसे मिस्टेक हो गई। उसी तरह यार पोकेमॉन कंपनी से भी ये मिस्टेक हो गई, और इसी के साथ हमने कुछ जानवरों को देख लिया। तो नंबर टू पे आता है गाइस हमारा दूसरा थ्योरी, कि पोकेमॉन वर्ल्ड में जो जानवर है वो सबसे रेयर ऑर्गेनिजम्स है वहाँ के। क्योंकि यार बल्बपीडिया ने ही कहा था, पिछले बार जो मैंने दिखाया था ये वाली इमेज तुम्हें, इसमें बल्बपीडिया ही कह रहा है कि वो बहुत रेयर है। मतलब कि जो पोकेमॉन्स है वो ताकतवर है, तो वो अपने खाने को ढूंढने के लिए, सॉरी यार मैंने कुछ और बोल दिया, तो खाने के लिए पोकेमॉन्स के जगह जानवरों का शिकार करते हैं। तो इसी यार वो कम हो गए, और एक्वेरियम में फिशेस को रखा जाता है प्रिजर्व करके, ताकि वो बचे रहे वहाँ पे, उनका एक्सटिंक्शन ना हो। और यार जो बात रही कुछ और जानवरों की, तो कुछ ऐसे पोकेमॉन्स हैं जिन्होंने जानवर को भी देखा है, जैसे गैसली। ये वाला इमेज में गैसली देख रहे हो तुम, मोंगूस बन गया है, तो उसने उसे देखा है, तभी वो अपने आप को इस रूप में उसने चेंज किया है। और यार देखो, पोकेमॉन्स जो है उन्होंने खुद को विकसित कर लिया है, विकसित यानी यार इवॉल्व, हाँ इवॉल्व ही एक तरह से कह सकते हैं, पर दूसरी तरह का इवॉल्व। जैसे हम ह्यूमंस हैं जो मंकीज से इवॉल्व हो गया है, मंकीज से यार, मंकीज से नहीं, तो उसी तरह यार जो पोकेमॉन्स हैं उन्होंने खुद को इवॉल्व किया है, और उन्होंने पावर्स, सुपर नेचुरल पावर्स को अपने अंदर समा लिया है। जैसे यार पिकाचू इलेक्ट्रिक माउस पोकेमॉन, इलेक्ट्रिसिटी उसने अपने अंदर समा ली है। तो यार यही था हमारा छोटा सा थ्योरी। यार तुमको उम्मीद है, मतलब हमको उम्मीद है कि तुमको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो
तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर से कर देना गाइस, ज़रूर से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यार तुमसे अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। Until then, have a nice day every day. तुम्हारे लिए और मेरे लिए उम्मीदें हैं, दिल में सपने हैं।